हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें आज रहने वाला है आपका डे 6। डे 5 तक आपका कंप्लीट हो गया है। डेली हम लोगों ने एक एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है, एंड आज जो डे 6 है उसमें एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड ये टॉपिक अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ नेट के नहीं, अदर जो भी टीचिंग के एग्जाम्स है वहाँ पे भी थ्योरीज आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कई तरीके की अप्रोचेज होती हैं। जब हम थ्योरीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे अप्रोचेज होती हैं, लाइक टाइप अप्रोच है, ट्रेट अप्रोच है, तो इसके अंदर भी कुछ थ्योरीज आती हैं टाइप अप्रोच के अंदर, इसी तरीके से ट्रेट में आती हैं, और कुछ ऐसी थ्योरी भी होती हैं जो टाइप कम ट्रेट अप्रोच के अंदर आती हैं, एंड साइको एनालिटिकल अप्रोच के अंदर आती हैं, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर आती हैं। तो ये कई तरीके की थ्योरी हैं जिसपे वन बाई वन हम बात करेंगे। बिकॉज मैं अगर टाइप अप्रोच की बात करूँ तो दो, जैसे हिप्पोक्रेट्स हो गया आपका, शेल्डन हो गया, क्रिश्मर हो गया, ठीक है, और जंग की जो टाइप है, ठीक है, ये सब आपके टाइप अप्रोच के अंदर आते हैं। इसी तरीके से फिर ट्रेट अप्रोच में जब बात करेंगे तो ऑलपुट वगैरह की आती हैं। तो हम लोग अलग अलग इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग आज के सेशन में यहाँ पे टाइप अप्रोच में जितनी भी यहाँ पे टाइप अप्रोच है वो सारी चीजें हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एंड जो नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ पे ट्रेट अप्रोच एंड टाइप कम ट्रेट अप्रोच को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, जो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। जब हम यहाँ पे सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी आपको कि जैसे ये टाइप अप्रोच है, ट्रेट अप्रोच है, उससे पहले जब हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनालिटी की थ्योरी तो ठीक है, बट यहाँ पे आपसे जैसे आपके सीटेट हैं, टेट के और भी जो भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे पर्सनालिटी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्सनैलिटी होती क्या है, एंड उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उससे भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे समझने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि पर्सनालिटी क्या होता है ना। जस्ट अ सेकेंड, मेरा पॉइंटर एक्चुअली आई डोंट नो कहाँ किधर गया। वेट, ओके, हम बात करते हैं यहाँ पे पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी जो ये शब्द है ये एक लैटिन शब्द से निकल के आया है, पर्सोना, ठीक है। पर्सोना कहने का मतलब क्या है, ये पर्सोना क्या है, ठीक है, पर्सोना एक तरीके का मतलब होता है, ये एक मास्क की तरह जो हमारे थिएटर के जो एक्टर्स होते हैं बिफोर कमिंग टू द स्टेज फॉर एक्टिंग, वो क्या करते हैं, ये जो पर्सोना है इसे एज अ मास्क अपने फेस पे इसे वियर करते हैं। तो पर्सनालिटी एक तरीके का कुछ भी नहीं है, पर्सनालिटी एक तरीके का मास्क है जो एक इंसान जब बाहरी दुनिया में जाता है तो उसको वो लगा के अपने ऊपर रखता है, ठीक है। तो ये होती है पर्सनालिटी, सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है, पर्सनालिटी। दूसरी बात, पर्सनालिटी इज अ सम टोटल, अब ये पूछा हुआ है आपसे कि ये इस तरीके से लाइन में, पर्सनालिटी इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल इननेट डिस्पोजिशन, इम्पल्सेस हो गए, जो टेंडेंसीज हैं, या फिर जो इंडिविजुअल की इंस्टिंक्ट होती है, मतलब कह सकते हो जो पर्सनालिटी क्या है आपका सम टोटल है सारी एक्टिविटीज का, ठीक है, सम टोटल है आपकी बायोलॉजिकल इननेट डिस्पोजिशन का, जो आपके इम्पल्सेस हैं, आपकी जो टेंडेंसीज हैं, या फिर जो किसी भी इंडिविजुअल के जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एंड द डिपोजिशन एंड टेंडेंसीज एक्वायर्ड बाय द एक्सपीरियंस, जो चीजें हम एक्सपीरियंस से भी एक्वायर करते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पर्सनालिटी है वो क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो हमारी एक्वायर्ड हो, चाहे हमारे इंस्टिंक्ट हो, सब कुछ ये हमारा सब क्या बताता है, हमारी पर्सनालिटी बताता है, जिसमें दो लोगों की जो डेफिनेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ पे वॉटसन एंड ऑलपोर्ट, ऑलपोर्ट तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पर्सनालिटी में, वॉटसन जो कि आपके फादर है बिहेवियरिज्म के, उन्होंने बिहेवियर के बेसिस पे, है ना, वॉटसन किसके फादर है, बिहेवियरिज्म के फादर है, तो इन्होंने बिहेवियर के बेसिस पे पर्सनालिटी को डिफाइन किया। इन्होंने बोला पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन डिस्कवर बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम
टू गिव अ रिलायबल इंफॉर्मेशन, मतलब अगर किसी की पर्सनालिटी को आपको जानना है तो आप क्या करो, उसको ऑब्जर्व करो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आप उसे क्या, किसी भी इंसान है, कोई भी इंसान है, आपको जानना है कि वो इंसान कैसा है, तो आप उसे क्या करोगे, थोड़े ज्यादा समय के लिए उसको ऑब्जर्व करोगे ना, उसकी हर एक एक्टिविटीज को। खाली सिर्फ एक ही एक्टिविटी को ऑब्जर्व नहीं करना, उसकी हर एक एक्टिविटीज की डे एक्टिविटीज जो भी है, चाहे वो उसे वर्क से हो, चाहे पर्सनल से हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, आप उसे क्या करोगे यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, जिससे आपको एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड आप पता कर पाओगे कि सामने वाले की एक्चुअली में पर्सनालिटी क्या है यहाँ पे। तो ये होती है आपकी पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू द वॉटसन, इन्होंने क्लासिफाई किया पर्सनालिटी को ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर। देन आते हैं ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट बोलते हैं पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट, मतलब व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। मतलब ये एक क्या बोलते हैं, ये हमारी जो पर्सनालिटी है वो क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो दो डेफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, अब बात आती है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की। पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वैसे तो पर्सनैलिटी की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप कहीं भी सर्च करोगे, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वही डाली है। पर्सनालिटी इज समथिंग विच इज यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। पर्सनालिटी क्या है, अगर आप मेरी पर्सनालिटी की बात करोगे या फिर आप अपनी पर्सनालिटी की बात करोगे, तो कैसी है, एक यूनिक इंडिविजुअल यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है ना, कि मैं राधिका हूँ और आप एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूनिक इंडिविजुअल है जिसकी एक पर्सनालिटी है। दूसरी बात आती है पर्सनालिटी रिफर्स पर्टिकुलर टू परसिस्टेंट क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो भी मेरे अंदर क्वालिटीज है, चाहे वो अच्छी क्वालिटीज हो चाहे वो बुरी क्वालिटीज हो, वो कैसी है, परसिस्टेंट है, परमानेंट है। ऐसा नहीं है कि आज मैं एंगर शो कर रही हूँ, कल मैं खुश हो जाती हूँ, ठीक है, फिर मैं एंगर में आती हूँ, फिर मैं खुश हो जाती हूँ, नहीं, ठीक है, ये भी एक तरीके की पर्सनैलिटी ही है, ठीक है, बट जो भी क्वालिटीज है वो परसिस्टेंट है यहाँ पे। पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट अ डायनेमिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट, है ना, डायनेमिक ओरिएंटेशन किसका है, ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट का। पर्सनैलिटी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय द सोशल इंटरेक्शन, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है एक किस, जैसे कोई भी मूवी वगैरह आती है तो हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जैसे रोल मॉडल है हम उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है, किसी का बोलने का तरीका अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उसे कॉपी करने लगते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में लाने लगते हैं। आजकल तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कितने सारे कोर्सेज भी चल रहा है कि पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, तो ये सब क्या है, सोशल इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है यहाँ पे। पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसिस्टेंट डायनेमिक एंड सोशल प्रीडिस्पोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा, सोशल प्रीडिस्पोजिशन होता है यहाँ पे सेम चीज है। नेक्स्ट आते हैं पर्सनालिटी की थ्योरी में, जो कि आज का हमारा यहाँ पे D6 का टॉपिक भी है, कि पर्सनालिटी की थ्योरी क्या होती है यहाँ पे। जैसे टाइप अप्रोच हो गया, ट्रेट अप्रोच हो गया, टाइप कम ट्रेट अप्रोच हो गया, ये सारे अप्रोचेस हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया कि टाइप अप्रोच के अंदर क्या क्या आते हैं, जब हम बात करते हैं थ्योरीज अडॉप्टिंग द टाइप अप्रोच, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो टाइप अप्रोच को अडॉप्ट करती है, लाइक आपका हिप्पोक्रेट्स हो गया, क्रिश्मर हो गया, शेल्डन हो गया, एंड जोंग हो गया, जो कि आज हम D6 में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आते हैं थ्योरीज अडॉप्टिंग द ट्रेट अप्रोच, जहाँ पे अल्पोर्ट की पढ़ेंगे, कैटल्स की पढ़ेंगे एंड इजेंग की थ्योरी पढ़ेंगे। देन आता है टाइप कम ट्रेट अप्रोच, जहाँ पे आपकी साइकोएनालिटिकल जो थ्योरी है फ्रॉइड का मैं कोशिश करूंगी पूरी जितनी भी थ्योरीज हैं, ठीक है, चाहे वो पर्सनालिटी की हो या फिर अदर हो, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी वो सारी यहाँ पे करा दूँ आपको। थ्योरीज अडॉप्टिंग द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे मैस्लो की थ्योरी पढ़ेंगे, कार्ल रोजर्स की थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, सेल्फ थ्योरी जो है कार्ल रोजर्स की, ठीक है। थ्योरी अडॉप्टिंग द लर्निंग अप्रोच, जहाँ पे डोलॉर्ड मिलर, वैसे इनकी मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हम पढ़ेंगे सारी, ठीक है, यही अगर हम एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो एक एक टॉपिक को यहाँ पे हम कवर करेंगे, जिससे आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो। डोलॉर्ड एंड मिलर्स की लर्निंग थ्योरी है एंड बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, तो इन सबको हम लोग अलग अलग करने वाले हैं, ठीक है, एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ करने पर वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है एंड टॉपिक वाइज है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, जैसे आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है यहाँ पे। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि हिप्पोक्रेट्स ने जो पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किया है किसके बेसिस पे किया है, कृष्ण ने पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया है, शेल्डन ने पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिप्पोक्रेट्स की बात करते हैं, इन्होंने
जो बॉडी का क्लासिफिकेशन है ना वो फ्लूइड और ह्यूमर्स के बेसिस पे किया है। जो हमारे फ्लूइड्स है बॉडी बॉडी के, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है पर्सनालिटी का। जहाँ पे इन्होंने कितने टाइप्स के फ्लूइड्स की बात की है, यहाँ पे फोर टाइप्स के फ्लूइड्स की बात की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा फोर टाइप्स के फ्लूइड। हिप्पोक्रेट्स ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है पर्सनालिटी का, वो बॉडी का जो फ्लूइड होते हैं, अब फ्लूइड भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, आपका येलो बाइल होता है, ब्लैक बाइल होता है, फेलगम होता है, ब्लड होता है, ठीक है। फ्लूइड कौन कौन से हैं आपके, येलो बाइल है आपका, ठीक है, फिर आता है आपका ब्लैक बाइल है, सेलगम है, फिर आपका ब्लड है, ठीक है, याद रहेगा। इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया है, पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किया है। ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स थियोराइज दैट पर्सनालिटी ट्रेट एंड बिहेवियर आर द बेस्ड ऑन द फोर टेम्परामेंट या फिर ह्यूमर्स। मतलब यहाँ पे ये तो क्या थे, ये तो फ्लूइड्स थे, समझ रहे हो बात को, ये क्या थे, फ्लूइड थे। बट इन्होंने फ्लूइड के बेसिस पे जब किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जब इसको क्लासिफाई किया येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फेलगम, ब्लड, तो इसमें किसी किसी जैसे येलो बाइल, किसी के अंदर येलो बाइल ज्यादा है तो वो कैसे बिहेव करेगा, किसी के अंदर अगर ब्लैक बाइल ज्यादा है तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो इन्होंने फोर टेम्परामेंट बताए, ठीक है, फोर टेम्परामेंट कौन कौन से बताए, फर्स्ट बताया सैंगन, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट बताया सैंग्यूइन, ठीक है, दूसरा बताया कॉलरिक, फिर बताया मेलनकॉलिक, फिर बताया सैल्गमेटिक, ध्यान रहेगा SCM, SCMP, ठीक है, वैसे अगर याद करना है इसको SCMP, SCMP याद रहेगा, SCMP, SCMP इज द निमोनिक हेयर, ठीक है, SCMP, SCMP का जो क्लासिफिकेशन है किसने दिया है, हिप्पोक्रेट्स ने दिया है। एस का मतलब है सैंग्यून, ठीक है, सी स्टैंड फॉर कॉलरिक, एम स्टैंड फॉर मेलनकॉलिक, पी स्टैंड फॉर फैलग्मैटिक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेम्परामेंट की, तो सैंग्यून वाले कैसे होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, सोशल होते हैं, चेयरफुल होते हैं, सैंग्यून मतलब बहुत ज्यादा आशावादी है, बहुत ज्यादा सोशल है, बहुत ज्यादा जॉयफुल है, खुश रहते हैं हमेशा, ठीक है। फिर आते हैं कॉलरिक की बात करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाते हैं, कुछ बच्चे होते नहीं कि मतलब थोड़ा सा उनको कुछ कर दो बस इरिटेट होने लगते हैं, बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी उनको मतलब जैसे जरा सा भी कोई चीज हुई तुरंत पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं कॉलरिक। फिर आते हैं मेलनकॉलिक, एनालिटिकल होते हैं, क्वेट होते हैं, शांत होते हैं, पॉन्डरिंग होते हैं, कंसिडरेट होते हैं, परफेक्शनिस्ट बोल भी कहते हैं इन्हें। फैलग्मेटिक कैसे होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, पीसफुल होते हैं, काम होते हैं एंड क्वाइट होते हैं, ठीक है, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखिएगा। हिप्पोक्रेट्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ईच पर्सन हैज अ प्रोमिनेंट टाइप ऑफ फ्लूइड। अब ये जो सैंग्यून टाइप है इनके अंदर भी कोई ना कोई फ्लूइड यहाँ पे प्रोमिनेंट होगा, कॉलरिक में भी कोई ना कोई फ्लूइड यहाँ पे प्रोमिनेंट होगा, तो वो कौन से फ्लूइड होते हैं। जब हम सैंग्यून की बात करते हैं तो सैंग्यून का मतलब क्या है, SB, ब्लड, यहाँ पे ब्लड प्रोमिनेंट रहता है ज्यादा, ठीक है। फिर हम कॉलरिक की बात करते हैं तो कॉलरिक में क्या आता है आपका, वाई, येलो बाइल, ठीक है। फिर मेलनकॉलिक की बात करते हैं, मेलनकॉलिक मतलब MB, ठीक है, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक मतलब थोड़े मतलब कह सकते हो जो मेलनकॉलिक वाले होते हैं वो पैसिमिस्टिक होते हैं, ज्यादा आशावादी नहीं होते, हमेशा चुप चुप से रहते हैं, शांत रहते हैं, ज्यादा शोर शराबा नहीं करते, उन्हें कुछ पसंद नहीं होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फैल्गोमेटिक की बात करते हैं तो फैल्गम, ठीक है, याद रहेगा। मैं दोबारा से एक बार लिख के समझाऊं, देखो यहाँ पे जैसे आपको तुरंत का तुरंत ही याद हो जाएगा, जब मैं हिप्पोक्रेट्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका, जस्ट अ सेकंड, जब मैं हिप्पोक्रेट्स की बात करूं, SCMP, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, SCMC क्या है, ये आपके क्या है, टेम्परामेंट है। अब यहाँ पे चार बाइल होते हैं, चार बाइल कौन कौन से होते हैं, येलो बाइल होता है, ब्लैक बाइल होता है, फैलगम होता है एंड आपका ब्लड होता है। जब हम बात करते हैं एस की, तो एस में क्या प्रोमिनेंट है, आपका ब्लड प्रोमिनेंट है, ठीक है। सी में क्या प्रोमिनेंट है, वाई प्रोमिनेंट है, मतलब येलो बाइल। एम में मेलनकॉलिक होते हैं, निराशावादी होते हैं, तो ब्लैक बाइल, ब्लैक होगा ना, ये कैसे होते हैं, पैसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं, और यहाँ पे फैलगम हो गया, ठीक है, याद रहेगा। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, आपके UGC नेट में इतने से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस यहीं पे हमें कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई भी सिक्वेंस वगैरह नहीं है, जो मैंने सिर्फ बताया है सिर्फ उतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्रिश्मर की टाइपोलॉजी पे। क्रिश्मर वॉज अ जर्मन साइकेट्रिस्ट हु ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट क्लासिफाइड पीपल इन टू द फोर टाइप। मतलब ये एक साइकेट्रिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया पेशेंट को और उनके बेसिस
बेसिस पे इन्होंने क्या किया, फोर टाइप्स में इसको क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। जहां पे इन्होंने बोला बॉडी के जो टाइप्स होते हैं, मतलब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो किस पे किया, बॉडी के टाइप्स पे किया। बॉडी के टाइप्स कहने का मतलब क्या है, एक होता है पिकनिक टाइप, एक होता है एस्थेनिक टाइप, एक होता है एथलेटिक टाइप, एक होता है डिसप्लास्टिक टाइप। समझ रहे हो, पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक, डिसप्लास्टिक, राइट। अब जैसे इसके दूसरे दूसरे जो नाम है वो जरूर से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ सो दैट आप लोग को ये चीजें याद रहे। पिकनिक, अब जैसे पहले समझ लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, समझ लेते हैं उसके बाद मैं इसको लर्न करा दूंगी एक बार, ठीक है। जैसे पिकनिक की बात करते हैं, सच पीपल आर शॉर्ट इन हाइट एंड आई थिंक अभी जो आपका पेपर हुआ है, अभी री एग्जाम जो हुआ है उसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, ठीक है आपसे, शेल्डन के टाइपोलॉजी से क्वेश्चन था वो। सच पीपल आर शॉर्ट इन हाइट, कैसे होते हैं शॉर्ट होते हैं हाइट में, विद हेविली बॉडी बॉडी टाइप, मतलब इनका जो पिकनिक होते हैं वो हाइट में छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, ठीक है। दे हैव शॉर्ट थिक नेक, ठीक है, थिक नेक होती है मतलब छोटे होते हैं, ठीक है, मतलब ये छोटे हाइट, छोटे मोटे, ठीक है, ऐसे याद रखो, छोटे मोटे, ठीक है, ऐसे होता है। और टेम्परामेंट में अगर बात करूँ तो कैसे होते हैं ये, सोशल और चीयरफुल होते हैं। अगर मैं बॉडी में बात करूँ तो छोटे मोटे होते हैं, और इनका टेम्परामेंट कैसा होता है, सोशल होते हैं और चीयरफुल होते हैं, हैप्पी गो लकी होते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, इन्हें खाना सोना बहुत पसंद होता है। इसीलिए कृष्णन ने इस तरीके का जो टेम्परामेंट रखते हैं लोग उन्हें क्या बोला, साइक्लॉइड बोला। क्या बोला, साइक्लॉइड बोला, बस इतना आपको याद रखना, याद रहेगा। पिकनिक में कैसे लोग होते हैं, पिकनिक में लोग छोटे मोटे होते हैं, उनकी जो गर्दन होती है, जो नेक होती है बहुत ज्यादा छोटी होती है, मोटी होती है, और ये लोग सोशल होते हैं, चेयरफुल होते हैं, बहुत खुश रहते हैं, खाते पीते हैं, इसलिए छोटे मोटे रहते हैं, इसी वजह से कृष्णन ने इनको साइक्लॉइड बोला है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं एस्थेनिक की बात करते हैं। सच पीपल आर टॉल, अभी तो छोटे मोटे हो गए, अब क्या हो जाएंगे, पतले और थोड़े से लंबे, ठीक है, अंडर डेवलप मसल होते हैं ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब एस्थेनिक में लोग कैसे होते हैं, पतले होते हैं और लंबे होते हैं, लेकिन जो उनकी मसल्स होती है वो बहुत डेवलप नहीं होती, अंडर डेवलप होते हैं, अंडर वेट होते हैं। जैसे मान लो कोई है 24-25 साल का, बट उसका वेट क्या है, अभी 30 ही साल है, ठीक है, 40 ही साल है, तो अंडर वेट है वो, ठीक है। तो कैसे है, टॉल है, थिन है, अंडर डेवलप मसल्स है और अंडर वेट है, ये कैसे होते हैं। इनका अगर टेम्परामेंट की बात करें, ये पतले तो होते हैं और लंबे भी होते हैं, इसी वजह से ये कैसे होते हैं, इरिटेबल होते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ करने लगते हैं, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, मतलब इन्हें कोई भी काम दो उसको ये नहीं करते हैं, हमेशा अपनी एक ड्रीमी दुनिया में, अपनी फैंटेसी में खोए हुए रहते हैं, ठीक है, अपने डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उसी में ये खोए हुए रहते हैं, तो ये एस्थेनिक होते हैं। और इसीलिए कृष्ण ने क्या बोला, शिजोइड बोला। क्या बोला, स्क्विजॉइड, स्क्विजॉइड बोलो या शिजोइड बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, प्रोनंसिएशन अपने आप से। एथलेटिक की बात करते हैं, अब ये लोग मस्कुलर होते हैं, ठीक है, वेल बिल्ड कैसे होते हैं, मस्कुलर टाइप के होते हैं, वेल बिल्ड मसल्स होती है, ना ही ये टॉल होते हैं, मतलब एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, एक हेल्दी पर्सन जैसा होता है, वैसे एथलेटिक टाइप के होते हैं, और ये बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, काम नेचर रहता है, हर चीज को सोच समझ के करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे अपने आप को चेंज कर लेते हैं। देन आते हैं डिसप्लास्टिक। डिसप्लास्टिक में क्या होता है, जो ऊपर इन तीनों में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है ना, इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर होती ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसे जिनके अंदर एथलेटिक की, एस्थेनिक की, पिकनिक की, इनकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं होती है, ठीक है, वो कैसे होते हैं आपके, पिकनिक टाइप, सॉरी डिसप्लास्टिक होते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड पीपल हु डू नॉट एग्जिबिट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन अबव बट आर द मिक्स ऑफ थ्री टाइप, मतलब ये मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, समझ रहे हो, डिसप्लास्टिक में क्या क्या, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे बट ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया पिकनिक, फिर हो गया आपका एस्थेनिक, फिर हो गया एथलेटिक, फिर हो गया डिसप्लास्टिक, याद रहेगा, पिकनिक हो गया, ठीक है। जैसे पिकनिक हो गया, पिकनिक के बाद आपने क्या पढ़ा, अब थोड़ा सा सीक्वेंस में भी इसको अरेंज करने के लिए याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप सही से इसको पढ़ोगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि पिकनिक में क्या पढ़ा था। फिर आपने क्या पढ़ा, एस्थेटिक में पढ़ा, ठीक है, पहले छोटा मोटा पढ़ लिया, छोटा मोटा, फिर आपने थोड़ा सा लंबा वाला पढ़ लिया, लंबे के बाद आपने मस्कुलर पढ़ लिया, एथलेटिक हो गया, फिर आपने तीनों का टाइप पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आते हैं शेल्डन की टोपोलॉजी. शेल्डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंस्टिट्यूशन कैटेगरीज पर्सनैलिटी इनटू द सेमाटोटाइप. इन्होंने बोला जो पर्सनैलिटीज होती हैं, पर्सनैलिटीज का जो कैटेगरी जो कैटेगराइज होते कैटेगराइजेशन होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमाटोटाइप्स बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, सेमाटोटाइप्स बोलते हैं. फॉर दिस ही एनालाइज न्यूड फोटोग्राफ्स ऑफ 4,000 स्टूडेंट्स एंड क्लासिफाइड देयर पर्सनैलिटी इंटू द थ्री बेसिक टाइप. इसके लिए इन्होंने न्यूड फोटोग्राफ 4,000 लगभग 4,000 स्टूडेंट की न्यूड फोटोग्राफ्स को ऑब्जर्व किया. फिर उसके बेसिस पे इन्होंने तीन तरीके की यहाँ पे पर्सनैलिटी बताई, जिसमें बोला एंडोमार्फिक, ठीक है, एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक एंड मेजोमार्फिक. एंडो एक्टो मेजो, ठीक है, ई स्क्वायर एम, ठीक है, या फिर एम ई स्क्वायर, याद रहेगा ई स्क्वायर एम या फिर एम ई स्क्वायर. फिर आते हैं, अब जैसे हमने यहाँ भी सिमिलर है, आपका जो कृष्णमर का आपने पढ़ा है ना उससे बहुत ज्यादा सिमिलर मिलेंगे. कैसे समझते हैं, एंडोमॉर्फिक जो होते हैं सच पर्सन आर शॉर्ट एंड फैटी विद राउंड शेप ऑफ अ बॉडी. ठीक है, अब ऐसे लोग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, राउंड शेप होते हैं. और ये जो आपने कृष्णमर का जो भी पढ़ा है थ्योरी उसमें किस वाले के साथ आती है, पिकनिक वाले के साथ आती है. ठीक है, अभी मैं आगे भी कराती हूँ उसको, पिकनिक के साथ मैच कर रही है. एंडोमार्फिक पीपल कैसे सिमिलर होते हैं, पिकनिक टाइप मेंशन इन द कृष्णमर. ठीक है, पिकनिक टाइप जो है उसके ये सिमिलर होते हैं यहाँ पे. ठीक है, दे लाइक टू ईट, इन्हें खाना पसंद है, पीना पसंद है, शादी करना पसंद है. दे आर ग्रेगेरियस बाय नेचर. कैसे होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं एंड हैव लीजरी. ठीक है, याद रखिए, अगर ग्रेगेरियस होते हैं और लेजरली एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द लाइफ. ठीक है, टेम्परामेंट वाइज जो टेम्परामेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे कि टेम्परामेंट वाइज एंडोमार्फिक ने शेल्डन ने क्या बोला है, इसे क्या बोला है, वाइसरटोनिया बोला है. क्या बोला है, वाइसरटोनिया बोला है. देन आते हैं मेजोमार्फिक, ये पीपल कैसे होते हैं, मस्कुलर टाइप के होते हैं. ठीक है, मतलब आपका एथलेटिक टाइप हो गया. ठीक है, कौन सा टाइप हो गया, एथलेटिक टाइप. दीज मसल्स एंड बोन आर क्वाइट वेल डेवलप्ड एंड दे आर फिजिकली वेल शेप्ड होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं, फिजिकली वेल शेप्ड होते हैं. पीपल कैसे होते हैं, दीज पीपल जनरली आर कंसिडर टू बी टफ माइंडेड. ठीक है, रिस्क लेने वाले होते हैं, असर्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं. ठीक है, एक तरीके से जैसे बॉस होते हैं, दूसरों की बनने की कोशिश करते हैं. इसीलिए सेमाटोटोनिया बोले हैं. इन्होंने क्या बोला, इस ये ऐसे लोग का जो टेम्परामेंट होता है कैसा होता है, वो टेम्परामेंट को क्या बोला इन्होंने, सोमेटोटोनिया बोला. ठीक है, देन आते हैं आपके एक्टोमार्फिक, जो कि आपके एस्थेनिक के साथ आती है. ठीक है, समझ में आ रहा है, एस्थेनिक के साथ आता है आपका पिक. ठीक है, कृष्णमल का. ठीक है, इसको इन्होंने क्या बोला, सेरेब्रोटोनिया बोला. क्या बोला, सेरेब्रोटोनिया बोला. ये लोगों से हमेशा दूर रहते हैं, ठीक है, लोगों के आसपास नहीं रहते हैं. तो ये शेल्डन की टाइपोलॉजी थी, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा एक चार्ट लगा दिया है. देखो, एस्थेनिक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्टोमार्फिक. एस्थेनिक वाले कैसे होते हैं, थिन होते हैं, स्लिम होते हैं, ठीक है, लंबे चौड़े, लेकिन इनकी जो मसल्स होती है वो वेल डेवलप नहीं होती. फिर एथलेटिक वाले कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं आपके, ठीक है, वेल डेवलप मसल्स होती है. पिकनिक वाले कैसे होते हैं आपके, छोटे मोटे राउंड नेक होता है आपका. डिसप्लास्टिक वालों में तीनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, ये तो उसका अलग हो गया. ठीक है, जैसे शेल्डन ने सेमाटोटाइप में, शेल्डन ने पर्सनैलिटी को क्या बोला, सेमाटोटाइप बोला, जिसमें इन्होंने एंडोमार्फिक को क्या बोला, वैसरटोनिक बोला, मेजोमार्फिक को सेमाटोटोनिक बोला, एक्टोमार्फिक को सेबरटोनिक बोला. ठीक है, कैरेक्टर कैसा होता है, एंडोमार्फिक रिलैक्स है. ठीक है, एंडोमार्फिक किसके साथ रिलेट कर रहा है, एस्थेनिक के साथ, सॉरी पिकनिक के साथ रिलेट कर रहा है ना. तो पिकनिक की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी यहाँ पे, रिलैक्स होते हैं, सोशल होते हैं, भाई बहुत खुशहाल रहते हैं, खोना सोना खाना पीना पसंद होता है. मेजोमार्फिक कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब चिड़चिड़ करते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा होता है. और एक्टोमार्फिक कैसे, सॉरी सॉरी मेजोमार्फिक आपके कैसे होते हैं, काम होते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं, विग्रस होते हैं, कॉम्बेटिव होते हैं, क्योंकि मस्कुलर है. फिर ये क्वाइट होते हैं, फ्रेगाइल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं. ठीक है, जो पतले होते हैं आपके, नॉन असर्टिव होते हैं और सेंसिटिव होते हैं. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में रहेगी, रहेगी ध्यान में. नेक्स्ट आते हैं जंग की टाइपोलॉजी में. जंग में बोला दो तरीके के लोग होते हैं आपके, मैं थोड़ा आसान शब्दों में बताती हूँ. एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, एक होते हैं एंड्रोवर्ट्स. हमेशा दो ही तरीके के लोग मिलते हैं, एक एम्बीवर्ट्स भी होते हैं, बट हम जंग की टाइपोलॉजी की बात करें तो उधर नहीं जाते हैं. मतलब एंट्रोवर्ट्स और एक्सोवर्ट. एंट्रोवर्ट्स लोग कैसे होते हैं, जिन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं पसंद होता है. ठीक है, वो लोगों से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता. अगर आप बोलोगे कोई चीज आपने उनसे पूछ ली तो हाँ ना में जवाब दे देंगे. बहुत ज्यादा शाय होते हैं, लोगों के सामने जाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा डल होते हैं. ठीक है, तो वो कैसे लोग होते हैं, एंट्रोवर्ट्स होते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप ना भी बात करो तो भी वो आपसे बात करने लगते हैं,
घंटों तक बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा सेंसिबल होते हैं ये लोग, ठीक है। सोशल सिचुएशन के साथ बहुत अच्छी तरीके से ये एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी सोशल सिचुएशन होती है उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट में घुल मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, आउट गोइंग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, सोशल होते हैं। तो ये जंग ने दो तरीके के क्लासिफिकेशन दिए, एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, याद रहेगा। तो ये आज हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा, हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ी जो टाइप अप्रोच के अंदर आती हैं, ठीक है। टाइप अप्रोच के अंदर थ्योरी कौन कौन सी आती है, हिप्पोक्रेट्स की आती है, क्रिश्मर की आती है, शेल्डन की आती है, जंग की आती है, ठीक है। हम लोगों ने हिप्पोक्रेट्स में कौन कौन सा पढ़ा था, हिप्पोक्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या सबसे पहले हम लोगों ने SCMP याद रहेगा, सेंग्विन पढ़ा था, कॉलेरिक पढ़ा था, मेलनकॉलिक पढ़ा था और फैलगम पढ़ा था। फिर हम कृष्मर की बात करते हैं जिसमें पिकनिक पढ़ा था, एस्थेनिक पढ़ा था, एथलेटिक पढ़ा था, डिसप्लास्टिक पढ़ा था। फिर हम शेल्डन की बात करते हैं, एक्टोमार्फिक पढ़ा था, फिर हमने मेजोमार्फिक पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, एंडोमार्फिक पढ़ा था, ठीक है। इसे हमने क्या बोला था, ME² बोला था। फिर जंग में हमने क्या पढ़ा, एंट्रोवर्ट पढ़ा था और एक्सोवर्ट पढ़ा था, ठीक है। एंट्रोवर्ट और एक्सोवर्ट दो तरीके के लोग होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ ये हिप्पोक्रेट्स, कृष्मा एंड शेल्डन का पढ़ा है। जो नेक्स्ट क्लास होगी थोड़ी सी वो लंबी होगी, बिकॉज आई विल ट्राई कि मैं ये दोनों ही एक साथ कवर कर पाऊँ, बिकॉज फिर ना ऐसे टॉपिक वाइज बहुत लंबा हो जाएगा, एंड इसका तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड एक सेशन मैं और अपलोड करूंगी यहाँ पे जो कि कम्युनिकेशन की जो मॉडल्स है, आई थिंक वो सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा, कम्युनिकेशन के जो मॉडल है पेपर 1 में, ठीक है। मैंने देखा आपके प्रीवियस ईयर में कम्युनिकेशन के मॉडल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मैं कम्युनिकेशन के मॉडल का एक सेपरेट सेशन अपलोड करूंगी, शाम तक अपलोड करती हूँ, तो उस सेशन को भी आप लोग प्लीज देखिएगा। एंड ये सेशन के में सिर्फ इतना ही है, उम्मीद करती हूँ ये जो छोटे छोटे सेशंस लाने के लिए मैंने सोचा है, जिससे आपका भी टाइम थोड़ा सा, आपको भी जब आप देखो तो 2-4 घंटे ना देख करके थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट देखो, जिससे आपको भी क्लैरिटी मिले, ठीक है। एंड अभी मैं लाइव सेशंस नहीं ले पा रही हूँ, बिकॉज आई वॉज बिजी समवेयर, आई एम बिजी समवेयर, तो इसलिए थोड़ा सा लाइव सेशन का दिक्कत हो रहा है। तो मैं अब रिकॉर्डेड क्लास है वो यहाँ पे अपलोड करूंगी अभी कुछ टाइम तक, जब लाइव सेशंस होंगे तब आई विल इन्फॉर्म, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियोस को प्लीज, जैसे व्यूज आ जाते हैं बट वीडियोस आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो कि जो भी सेशंस हैं वो आपको कैसे लगे हैं, या फिर अपकमिंग सेशंस में क्या चीज आपको चाहिए। बिकॉज अगर आप लोग मुझे नहीं बताओगे कि सेशंस में और क्या चीज आपको चाहिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आई वॉन्ट कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये जो सेशंस है ये आपके लिए यूजफुल हैं भी या फिर नहीं है, या फिर आप कुछ और चाह रहे हो, ठीक है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, एंड वीडियोस को लाइक जरूर से जरूर करिएगा। एंड अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपका पेपर 2 जो एजुकेशन है वो कंप्लीट मैं यहाँ पे कराऊँ, ऑलरेडी मैंने करा के रखा हुआ है, ठीक है। जो इससे पहले वाले जो सेशन थे, जून वाला सेशन था, फिर 23 वाला जो सेशन था आपका, है ना, 24-23 वाला, उसमें ऑलरेडी मैंने डिटेल में सेशन करा के रखे हैं, बट अभी मैं थोड़ा सा नए तरीके से काम करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा आपका एक पेपर 2 का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो कि अभी फिलहाल कुछ टाइम से मैं उस पर कोई एक्टिविटी नहीं डाल रही, बिकॉज वेट कर रही हूँ आपके एक बार रिजल्ट आ जाए, फिर अकॉर्डिंगली वहाँ पे चीज़ें मैं देना स्टार्ट करूँ, क्विज वगैरह। बट अभी वेट कर रही हूँ, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो नहीं, बट अभी तक जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।